हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और प्लीज़ हो सके तो लाइक भी जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए खुद से। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? और आप इस फिगर को देख रहे होंगे, इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा कि हम इसको फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है, 9, 12, 18, 13, मतलब इस तरीके से ये गोलाई में चल रहा है। तो 9 से 12 तक आने में कितना लग रहा है आपका, +3 लग रहा है, ठीक है? तो +3 का यहाँ पे डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। 6 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे +12 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे फिर आपका 12 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 24, तो इस 30 में 24 प्लस करेंगे, तो 30 में 24 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 54, तो 54 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो 24 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 48, तो 48 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 102, तो यहाँ पे क्या आंसर बन गया आपका, 54। तो 54 इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इन में भिन्न कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है? MKGA और ये आपका RPLF, VTPJ, PNID, इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है। मतलब कि कहने का यह है कि 3 ऑप्शन तो आपके एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होंगे, बट जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो M आपका कितने नंबर पे आता है, 13 पे, के आपका 11 नंबर पे आता है, यहाँ पे क्या हुआ, -2 हो गया, ठीक है? फिर G आपका 7 पे आता है तो यहाँ पे -4 हो गया। फिर यहाँ पे A आपका कितने पे पहले पे आता है तो यहाँ पे -6 हो गया। यानी कि क्या चल रहा है, -2, -4, -6, ठीक है? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ RPLF की, तो R आपका 18 पे आता है। सबसे पहले मैं नंबर डाल लेता हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नंबर्स आपको याद होने चाहिए सभी अल्फाबेट्स के, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। P आपका 16 पे आता है, L आपका आता है 12 पे, ठीक है? F आता है आपका किस पे, 6 पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो -2, -4 और -6, तो इसमें और इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में से भी एक में -2, -4 और -6 चल रहा होगा, बट जो फोर्थ है उसमें नहीं चल रहा होगा। तो ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, V आपका 22 पे आता है और T आपका 20 पे, तो -2। फिर P आपका आपका 16 पे आता है तो -4 हो गया, और J आपका आता है 10 पे तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये इन सभी में भिन्न है, ओड वन आउट आपका डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है व्हीकल अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले व्हीकल जो है उसको हम 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक वो 4 किलोमीटर जाएगा। देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक वो 4 किलोमीटर जाएगा, दाएं मुड़ने के बाद में, यानी कि राइट साइड में मुड़ने के बाद में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है? उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 4 किलोमीटर चलने के बाद में उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर मुड़ने के बाद में फिर वो राइट साइड में मुड़ता है, दाएं साइड में मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अभी व्हीकल जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक आ चुका है। नेक्स्ट एक स्टेप और उसका बचा हुआ है 6 किलोमीटर के बाद में, फिर बोला जाता है और फिर दाएं और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है? वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है?
अगर मैं बात करूँ वो 6 किलोमीटर चलने के बाद में दो बार दो 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 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़ के, तो यहाँ से एक दाएं ये हो गया और एक दाएं ये हो गया। अब ये देखिए 4 किलोमीटर है, ये पूरी 6 है, तो इसका मतलब ये आपकी पूरी की पूरी 2 होगी। तो विकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और वो यहीं पर ही आ गया, तो अभी कितनी दूर है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, 0 किलोमीटर पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। अगर आप एक भी स्टेप को लेफ्ट राइट में गलती कर देते या फिर थोड़ा सा भी मतलब समझने में गलती कर देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनालॉजी से, इसमें क्या दिया जा रहा है, ए सी ए जेड एक्स को डी एफ डी डब्ल्यू यू लिखा जाता है, यानी कि इससे ये लिखा जाता है, तो जी आई जी टी आर को क्या लिखा जाएगा। तो इससे पहले वाले में आप इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके देखिए कि क्या रिलेशन है, कि नेक्स्ट हम बिल्कुल वैसा ही बना के इसको कंप्लीट कर सकें। तो ए आपका पहले नंबर पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे डी जो लिखा है वो डी 4 नंबर पे आता है, यानी कि इससे 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 यहाँ तक बढ़ने में कितना लगा, +3, ठीक है। फिर सी आपका तीसरे नंबर पर आता है और एफ आपका 6 पे आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में कितना लगा उसको, +3। फिर ए पहले पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, फिर +3, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे जेड आपका आता है 26 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे, तो यहाँ पे -3, ठीक है। और एक्स आपका आता है 24 पे और यू आता है 21 पे, तो यहाँ पे फिर -3। यानी कि बोलने की बात यह है कि यहाँ पे +3 +3 +3 फिर -3 -3, तो दो तीन बार तो +3 है, दो बार -3 है, तो ये आपको एक बार देखना है। तो जी आई जी टी आर में भी हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। तो जी आपका कौन से नंबर पे आता है, 7 पे, 7वें नंबर पे जी आता है, इसमें मैं +3 करूँ तो 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आता है, जे, तो जे तो यहाँ पे सभी में लिखा हुआ है। तो अभी तक तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊँ कि मेरा ऑप्शन कौन सा है। फिर आपका आया आई, आई आपका आता है 9 नंबर पे, 9 में मैं +3 करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका, 12, और 12 पे आपका क्या आता है, एल, तो दूसरे नंबर पे आपका एल होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, तो जे एल इन दोनों में। नेक्स्ट आपका आता है जी, जी आपका मैंने अभी बताया 7वें नंबर पे आता है, इसमें +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, और 10 नंबर पे क्या आता है, जे, तो यहाँ पे आपका सॉरी जी में आपका प्लस तो जे आ जाएगा, दोनों में जे है, ठीक है। टी आपका आया तो टी आपका 20 पे आता है, अब इसमें आप 20 में से -3 करेंगे तो 17 पे क्यों आता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यों इसमें है इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो कट ही गए थे, ये भी आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बचेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे पहले तीन जो अल्फाबेट है उनमें तो प्लस थ्री चल रहा था, और लास्ट के दो अल्फाबेट में -3 चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए अब बिल्कुल आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है, तो 5 मान लेते हैं इसको, तो इसको एक बार ट्राई करिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है और आप इसको एकदम कैच कर लेंगे जो इसमें चल रहा है। एनालॉजी का ये क्वेश्चन है, यहाँ से अगर जो रिलेशन इनके बीच में होगा वही आपको नेक्स्ट बताना है। यहाँ पे 63 लिखा है, इससे अगर स्क्वायर की मैं बात करूँ तो 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो 64 -1, यानी कि 8 का स्क्वायर -1 हम बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 के बाद 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 में से 1 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 120, यानी कि 11 का स्क्वायर -1, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में से -1 करेंगे तो 120 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 के बाद में 12, 12 का स्क्वायर जो आपका होता है 144 होता है, 144 में से 1 माइनस करेंगे तो 143 आपका राइट आंसर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 143। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बिल्कुल टच में रहेंगे और आप इन सभी क्वेश्चंस को कर भी लेंगे। अगर आप इनसे मतलब कभी वीडियो देख ली कभी नहीं देखी, देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जितनी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ इन्हें भी देख लें तो सिंपल होता है, बिल्कुल आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा मतलब पढ़ना तो जरूरी है बट ज़्यादा इसको टाइम देना जरूरी नहीं है, आप मैथ को दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल एक और क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कर सकते हैं आप। किसी विशेष कोड में वैन को वी जी एफ ओ लिखा जाता है, इस कोड में पुलिस को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आपको बताना है पुलिस को किस तरीके से लिखा जाना है, वैन को वी जी एफ ओ लिखा जाता है।
अगर मैं बात करूं वैन की, तो वैन में आपका W जो है वो 23 नंबर पे आता है, H आपका 8 नंबर पे आता है, E आपका सभी को पता है 5वें पे आता है, N आपका 14 पे आता है। ये सारे याद हो जाएंगे आपके इजीली अगर आप डेली डेली 15 दिन तक, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, 15 दिन तक आप पूरी अल्फ़ाबेट लिखिए, A से M तक, फिर उसके नीचे N और N से Z तक। इस तरीके से उल्टे इनके जो उल्टे वर्ड है वो भी याद हो जाएंगे, और इनके ऊपर 1 2 3 डाल लीजिए, 1 2 3, वो भी आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया W आपका जो आता है 23 पे आता है, 23 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 22, और 22 पे क्या आता है आपका V, तो यानी कि माइनस 1 चल रहा है। H आपका आता है 8 पे, 8 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 पे क्या आता है G, तो ये आपका G हो गया, तो यहाँ यानी कि माइनस 1 चल रहा है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, E आता है 5वें पे, और यहाँ पे लिखा है F, F आता है 6ठे पे, यानी कि यहाँ पे प्लस 1 चल रहा है। तो एक बार दो बार आपका माइनस 1, एक बार प्लस 1। फिर नेक्स्ट देखते हैं, N 14 पे आता है, नेक्स्ट आपका O 15 पे आता है, तो यहाँ पे प्लस 1 चल रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका हो गया माइनस वन और प्लस वन और प्लस वन, ठीक है, दो बार माइनस वन और आपका दो बार प्लस वन। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप पुलिस में करेंगे, पुलिस में आपका क्या होगा, पी आपका 16 पे आता है, 16 से नेक्स्ट एक माइनस कर देंगे तो 15 पे आपका ओ आता है। ओ देखिए यहाँ पे सभी में है, इसमें नहीं है, तो आपके ये तीन ऑप्शन बच गए, इनमें से आपको राइट आंसर निकालना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है ओ 15 पे आता है, ओ में से माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एन, यानी कि 14 आ जाएगा, 14 पेन होता है, तो दूसरे नंबर पे एन किस किस में, इसमें और उसमें, तो इसको भी हम हटा देंगे। फिर आपका आया एल, एल आपका 12 नंबर पे आता है, 12 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और 11 पे आपका के आता है, तो देखिए के दोनों में है, तो अभी भी नहीं हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि इन दोनों में से राइट कौन सा है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पी हो चुका है, ओ हो चुका है, एल हो चुका है, आई, आई आपका 9वें नंबर पे आता है, और 9 में हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 -1 -1 फिर +1 +1 +1, ठीक है, तो अब की बार प्लस 1 करेंगे तो आई में हम प्लस 1 करेंगे, यानी कि 10 पे आपका क्या हो जाएगा जे, तो देखिए जे कौन से में, इसमें है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट नहीं होगा। तो इस तरीके से एक एक ऑप्शन को कट करते हुए चलेंगे ना, एक तो आप 100% एक करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, और जो मतलब करने का तरीका है उसमें वो टाइम सेविंग भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का नहीं पड़ेगा, और इससे आप ऑप्शन से ही राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इसका जो ये लिखा है कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से ये चार जो वर्ड लिखे हैं इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया है ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ऑप्शन को एक एक वर्ड को उठा के देखिए। जैसे कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, तो कॉन्सेंट्रेशन में कौन कौन सा अल्फाबेट यूज होता है वो यहाँ पे आपको देखना है। सी इसमें भी है, इसमें भी है, ओ भी है, एन भी है, सी भी है, ई भी है, आर भी है, और एन भी है, यानी कि ये तो हो गया फाइनल हमारा, ये तो बन जाएगा। हमें निकालना है कि कौन सा नहीं बन सकता। फिर यहाँ पे एन है, ठीक है, ए है, और टी है आपका, आई है, और ओ है, एन है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका सी आता है ट्रेन, तो टी है, आर है, ए है, और आपका आई है, और एन है, तो सी भी आपका हो गया। यानी कि मैं लगा सकता हूँ ऑप्शन डी नहीं बनेगा, 100% है कि नहीं बनेगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी है, और यहाँ पे ई है, ठीक है, एन है, और टी है, आर है। देखिए ई जो लिखा है ना वो अब दोबारा से आ गया है, और कॉन्सेंट्रेशन में ई एक बार आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि यार ई तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका सेंटर में ई दो बार आया है, और कॉन्सेंट्रेशन में ई आपका एक बार है, तो ये वाला नहीं बनेगा। यानी आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में ई एक बार आता है और इसमें दो बार आता है, तो ये वाला नहीं बनेगा, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से, इसमें दिया गया है कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं। देखिए कुछ पुस्तकें जो हैं आपकी पत्रिकाएं हैं, और कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेन डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ पुस्तकें, तो पुस्तकों का एक आपने वेन डायग्राम बनाया, और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, और यहाँ पे जो कुछ पत्रिकाएं हैं वो उपन्यास हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा एक वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। नो डाउट कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डेली रिवाइज करनी होती है, तो वैसे ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ।
यहाँ पे निष्कर्ष है कि कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, तो मैं एक बार देख लेते हैं इस वेन डायग्राम को। तो कुछ पुस्तकें उपन्यास है, तो पुस्तकें और उपन्यास का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये आपका जो ऑप्शन ए है वो नहीं होगा, राइट। तो ये हट जाएगा। देखिए, जिनके बीच में जो कथन होता है आपका, कथन में अगर कभी भी जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में कभी भी किसी के बीच में रिलेशन नहीं बताया गया, वो निष्कर्ष में फिर उनके बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, तो हम उसको राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला जाए कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, तो कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हो सकती हैं, क्योंकि उपन्यास और पत्रिकाएं तो यहाँ पे हमें शो हो रही है कि कुछ वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये सीरीज कंप्लीटेशन टेस्ट है आपका, और इसमें आपको सीरीज कंप्लीट करनी है और इसका आंसर बताइएगा। यहाँ से 2, 7, 14, 23 नेक्स्ट आपको बताना है 47। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इसमें प्लस चल रहा है ना, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से नहीं है, इंक्रीज जो है वो ज़्यादा स्पीड से नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस है। तो अब इसमें प्लस क्या चल रहा है, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे 2 से 7 हुआ है, यानी कि +5 हुआ है, +5 से फिर यहाँ पे 7 से 14 हुआ है, तो इसका मतलब 7+ हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे +5 था, यहाँ पे 7 हुआ है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 14 में 9 प्लस करेंगे तो 23, यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 2-2 का प्लस चल रहा है, तो 9 में +2 करेंगे कितना हो जाएगा 11, तो 23 में 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34। तो यहाँ पे आपका 34 राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट चेक करके देखूँ, तो यहाँ पे मैंने कितना प्लस किया था 11, 11 प्लस किया था, यहाँ पे नेक्स्ट आपका 13 प्लस होना चाहिए, तो 34 में 13 प्लस करेंगे तो 47 हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल ही एक इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, और ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ट्राई करके देखिए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे भी आपका ये चल रहा है, 68 लिखा है, 81 लिखा है, 96 लिखा है, और नेक्स्ट आपको बताना है। तो इतनी स्पीड से सीरीज नहीं इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसमें प्लस ही चल रहा होगा, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर क्यूब होता है, इनमें सीरीज बहुत स्पीड से इंक्रीज होती है। तो 68 में आप क्या करेंगे, +13 करेंगे, तो आपका 81 बन जाएगा, और 81 में आप +15 करेंगे तो यहाँ पे 96 बन जाएगा, यानी कि 13 था यहाँ पे 15 है, तो नेक्स्ट आपका 17 प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 96 में 17 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, आपका 113 हो जाएगा, हाँ 113 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 113 में आप 19 प्लस करके देखिए, क्योंकि 17 से 2 इंक्रीज करेंगे, 19 प्लस करेंगे तो 132 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 132 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 113। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हो रहा है आपका एनालॉगी से, और इसमें भी आपको बताना है, या देखिए एनालॉगी और जो कोडिंग डिकोडिंग है बिल्कुल सेम ही एक ही चैप्टर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो नेक्स्ट आपको बताना होता है कि इसके नेक्स्ट क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे रीजन को SFBTPO लिखा जाता है, तो थिंक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रीजन की, तो R आपका 18 पे आता है और S आपका आता है 19 पे, हाँ। तो R से S चल रहा है, यानी कि नेक्स्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट वर्ड है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है। E से आगे आपका F आता है, यानी कि A से आगे B आता है, S से आगे आपका T आता है, O से आगे आपका P आता है, N से आगे आपका O आता है। इसका मतलब क्या चल रहा है भाई, +1 चल रहा है, ठीक है। तो आपको +1 वाली कंडीशन में थिंक को लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टी के बाद में क्या आता है, आगे क्या आता है, यू आता है, ठीक है, और एच के आगे आपका क्या आता है, आई आता है, और आई के बाद आपका क्या आता है, जे आता है, और यहाँ पे ओ आ जाएगा, और यहाँ पे एल आ जाएगा, यानी कि एन के बाद ओ, के बाद एल, तो यू आई जे ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यू आई जे ओ कौन सा हो जाएगा, यू आई जे ओ, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, और इसके सारे के सारे सॉल्यूशंस भी हैं इस पीडीएफ में, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर वीडियो लाइक शेयर नहीं किया अभी तक तो कर दीजिएगा, और
आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ रीजनिंग की, जिसमें आपको मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपकी रीजनिंग की तो अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है। ऑलरेडी मैं मैथ की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डेली एक शेयर कर देता हूँ अपनी कम्युनिटी टैब पर, तो वहाँ पर भी आप उस वीडियो को जरूर देख लिया करें। ठीक है, मोटिवेट रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अपना जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अपना सिलेक्शंस लेते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।